अस्सलाम वालेकुम। सो कैसे हैं साहब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल टीएम लैब। सो आज हम सीखेंगे कि जो हमारा कोर्स चल रहा है लो एंड नो कंटेंट का, उसके अंदर हमने क्या सीखना है कि हमने जो बुक्स क्रिएट की थी उसका कवर वगैरह हमने क्रिएट कर लिया था, तो उसका आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है जिसके अंदर हमने बुक्स को जस्ट पब्लिश करना है। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडियाज देता चलूँ कि आपने कीवर्ड्स वगैरह जो है ना कैसे रिसर्च करने हैं। तो हम चलते हैं जी amazon.com को ओपन कर लेते हैं और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट www.amazon.com पर चले जाते हैं। और यहाँ पर आने के बाद आपने, यहाँ पर अगर आपके पास पाकिस्तान है तो यहाँ पर आपने न्यू यॉर्क या किसी भी कंट्री की आप जो है ना लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ पर कीवर्ड रिसर्च करने होते हैं। कीवर्ड रिसर्च करना बेसिक में आपको मैंने हाई कंटेंट के अंदर सिखा दिया था कीवर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, वही सेम तरीका है, ठीक है, वही चीजें आपने फॉलो करनी है और कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। और नोटबुक जो होती है ना, इसके कीवर्ड्स रिसर्च करना बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ पर देख, मेरे पास पहले जो है ना ऑटो ही आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, लाइंड नोटबुक फॉर स्टूडेंट, ठीक है, लाइंड नोटबुक फॉर कॉलेज। इसी तरह नीचे आप पिंक नोटबुक, जर्नल फॉर गर्ल, इस तरह के जो है ना डिफरेंट्स आ रहे हैं। जर्नल नोटबुक हार्ड कवर, जर्नल नोटबुक इस तरह का, ये जर्नल नोटबुक फॉर किड्स, ये सारे जो है ना कीवर्ड्स हैं, ठीक है। तो इस तरह आप इनको सर्च करके आपने आपने यहाँ पर क्या चेक करना है कि यहाँ पर 10,000 है, ये 1,000 से कम हो, ठीक है। उसके बाद आपने इसका रिजल्ट वगैरह हर चीज जो है ना ये वाली एक्सटेंशन लगाकर आपने चेक कर लेना के डी पिनिच रिसर्च जो है ना एक्सटेंशन, ये आपने लगा कर यहाँ से इसको ओपन करके चेक कर लेना है कि इस कीवर्ड्स का स्कोर क्या है। वो सारी चीजें मैंने आपको क्लियर की हुई है, कितना स्कोर होना चाहिए, क्या क्या चीजें हमने देखनी होती हैं कंप्लीटली, ठीक है। आपने यहाँ पर स्कोर जो है ना 50 से ऊपर देखना होता है, उसके बाद यहाँ पर 1,000 से रिजल्ट ऊपर होना चाहिए, और इसके अलावा नीचे जो है ना आगे ये आ जाता है बेस्ट सेलर रैंक और बाकी रिव्यू प्राइस, अरेंज प्राइस जो होती है नोटबुक की, वो आम सी नोटबुक है हमारी, बिल्कुल जो है ना मतलब सादा नोटबुक है, तो उस हिसाब से हम रखेंगे। अगर हमारी कलरिंग बुक है उसकी ज्यादा होती है, इसी तरह कॉम्पिटिशन बुक होती है तो उसकी भी जो है ना ज्यादा होती है, ठीक है। तो इस तरह आप यहाँ पर जो है ना ये सारी चीजें चेक कर सकते हैं। तो इस तरह आपने कीवर्ड्स रिसर्च करने हैं, वो ऑलरेडी आपको तरीका आता है, तो इसलिए मैं आज जस्ट जो है ना आपको बुक्स अपलोड करने का तरीका सिखाऊंगा कि नोटबुक हम कैसे अपलोड करते हैं। तो मैं अपना अकाउंट ओपन कर लेता हूं जी, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर जब आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर क्या आ जाना है जी, क्रिएट मैनेज पब्लिश नोटबुक। तो यहाँ पर आने के बाद हमने ये जो है ना इस अकाउंट पर अभी मैंने तकरीबन 3,000 बुक्स जो है ना अपलोड की हुई है, तो न्यू है इस पर हम जो है ना आज ये मैंने असल में जो है ना लो कंटेंट के लिए रखा हुआ है, तो इस पर हम लो कंटेंट ही जो है ना करेंगे। पहले हाई कंटेंट की भी बुक्स इस पर पब्लिश की हुई है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो नीचे आ जाते हैं जी, यहाँ पर कैरिएट लिखा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। बाकी किसी चीज को आपने जो है ना आगे पीछे नहीं करना। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर ई बुक्स होता है। इस बार हमने जो है ना लो कंटेंट के अंदर हमने ई बुक्स को पब्लिश नहीं करना, क्योंकि इसके अंदर ई बुक्स इलेक्ट्रॉनिक बुक्स जो होती है ना, ये मतलब कि रीड करने के लिए ये नहीं है हमारी बुक्स, ठीक है। तो हमारा सिर्फ इसके अंदर पेपर बैक और हार्ड कवर होता है, लेकिन हम हार्ड कवर भी पब्लिश नहीं करेंगे, हम ओनली जो है ना पेपर बैक को पब्लिश करेंगे। तो आपने कैरिएट पेपर बैक पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये जो है ना इंटरफेस आपके सामने जो है ना पेपर बैक डिटेल्स का आ जाता है, पेपर बैक कंटेंट, राइट्स, प्राइसिंग वगैरह का। यहाँ पर लैंग्वेज लिखा है तो आपने लैंग्वेज इंग्लिश ही रहने देना है। यहाँ पर लिखा है कि बुक्स टाइटल, ठीक है, तो यहाँ पर आपने अपनी बुक्स का टाइटल जो है ना वो ले आना है और उसको रख लेना है। इसके अलावा जो है ना बुक्स टाइटल, यहाँ से हम मैंने एक शीट बनाई है, उस पर मैंने सारी चीजें जो है ना टाइप, इस तरह आप एक डिटेल बना लें और अपनी बुक्स को पब्लिश कर लें। इसी तरीका है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ये मैं सारी चीजें आपको बताता भी हूँ कि आपने कैसे, अगर आपको मतलब फाइंड करना नहीं आ रही तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो हम जस्ट पहले इसको जो है ना पब्लिश कर लेते हैं जी। यहाँ पर हम लिखेंगे लाइंड जर्नल नोटबुक 6x9। मैंने ये टाइप कर लिया है कि हमारी बुक्स जो है ना 6x9 की है। तो यहाँ पर सब टाइटल अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं, नहीं तो ये ऑप्शनल है, ये आप नहीं भी दे सकते, अगर ना देना चाहें तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है। यहां से हम कॉपी करेंगे,
यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। लाइंड जर्नल नोटबुक विद, इस तरह आप कोई भी अपने जो है ना आइडियाज के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपने अपना आइडियाज यूज करना है कि आपकी नोट जो नोटबुक है वो किस चीज के लिए यूज होगी, वो सारी चीजें आप यहाँ पर नीचे टाइप कर सकते हैं। नीचे आ जाता है जी हमारा एडिशन नंबर, इसको छोड़ देना है। ऑथर नेम आप यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट आपने लिखना है, तो मैं यहाँ से फर्स्ट एंड लास्ट को कॉपी कर लेता हूँ जी। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं, जस्ट यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर ऑथर नेम आप अपने अकाउंट, अगर आप न्यू हैं तो आप अपना नेम भी रख सकते हैं। इस तरह हम कर लेते हैं। आगे आ जाता है जी हमारा कंट्रीब्यूटर, इसको आपने छोड़ देना है। नीचे आ जाता है डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर आपने डिस्क्रिप्शन लिखना है। डिस्क्रिप्शन बेसिक में हमारी बुक के रिलेटेड जो भी हमारी बुक का जो है ना इंट्रोडक्शन होता है, वही हमारी डिस्क्रिप्शन होती है। आप यहाँ पर अपनी बुक की डिटेल अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जिस तरह आपको इजी लगे। तो मैंने ये लिखी हुई है बिल्कुल अपने हिसाब के साथ, मैंने जो है ना इसके एडजस्टमेंट की है। यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं, यहाँ से इसको पेस्ट कर देते हैं, कॉपी पेस्ट हो गया है। तो इस तरह से आप इसको पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको बोल्ड वगैरह करना चाहें तो यहाँ से आप बोल्ड कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपके कंट्रोल के अंदर है। तो यहाँ पर मैंने क्या चीज लिखी है, इससे भी आप खूबसूरत लिख सकते हैं अगर आप लिखना चाहें तो। 4 पॉइंट मैंने यहाँ पर जो है ना लिखे हैं। तो आपके सामने यह सारी चीज, अगर आप रीड करना चाहें तो इसको रीड भी कर लें ताकि आपको भी समझ आए कि ये क्या चीज है। तो ये ऊपर लिखा है जी, लाइंड जर्नल नोटबुक 6x9, दिस लाइंड कॉलेज रूल्ड 6x9 जर्नल विद द पॉकेट आर आइडियल फॉर टेकिंग ऑफिस नोटबुक्स, ट्रेवल राइटिंग के लिए, स्टडिंग के लिए, फॉर ऑफिस प्लानर बुक के लिए, मतलब कि ऑफिस में यूज कर सकते हैं हम, स्टडी करने के लिए यूज कर सकते हैं, और भी आप इसको जो है ना सारी चीजें जितनी भी हैं वहाँ यूज कर सकते हैं। ये मैंने सारा इसके अंदर मेंशन किया है, ठीक है। ईच स्मॉल नोटबुक हैज आई इजिली कस्टमाइज विद, ये सारे स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर आप लिख सकते हैं। एंड मार्केट एंड आ गिफ्टेड फॉर कोवर्कड फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस, इस तरह आप अपनी डिस्क्रिप्शन फाइंड कर सकते हैं अपने आइडियाज के साथ। इसके अलावा ये डिमेंशन मैंने नीचे इसकी लिखी है, और इसके अंदर क्वालिटीज क्या है वो भी मैंने यहाँ पर मेंशन की है। इसका वजन क्या है और इसका सारा सिस्टम नीचे मैंने मेंशन कर दिया है, और नीचे इसकी डिमेंशन भी मैंने बता दिया है कि 10 स्मॉल स्पीरियल बाउंड नोटबुक ईच। तो इस तरह सारी चीजें जो है ना, नोट एंड स्कूल ऑफ द ऑफिस, सारी चीजें मैंने मेंशन कर दी है। तो इसके बाद आने के बाद ये आपने कैसे, अगर आपको ये नहीं आइडियाज आ रहा कि मैं कैसे लिखूं, तो मैं आपको आइडियाज भी देता हूँ कि ये आपने डिस्क्रिप्शन कैसे फाइंड करनी है, कैसे, अगर आप न्यू हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें इशू बनेगा, तो आपने कैसे जो है ना इसको फाइंड कर लेना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपने जो है ना पब्लिशिंग राइट्स पर ऑन कॉपीराइट रखना है, और नीचे आपने कीवर्ड्स जो है ना वो लगा देने हैं। तो मैं कीवर्ड्स यहाँ पर जो है ना पेस्ट कर लेता हूँ। फिर मैं जो है ना इसका कीवर्ड्स भी पेस्ट करता हूँ, जर्नल नोटबुक ये भी आप अपने आइडियाज से लगा सकते हैं, जर्नल नोटबुक्स, जर्नल नोटबुक्स, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो ना डिफरेंस इसके अंदर नहीं है, ये हम थोड़ा सा इसके अंदर डिफरेंस कर लेते हैं। फॉर किड्स, इस तरीके से आप इसके अंदर डिफरेंस कर सकते हैं, लेकिन आपने वहां पर फाइंड करें, मेरा ये सेम था इसलिए मैंने जो है ना डिफरेंट किया है। तो आपने ये सारी चीजें जो है ना देखनी है जी। तो
ये मेरा दूसरा यही था। इसके अलावा तीसरा हम यहाँ से फाइंड कर लेते हैं, कॉपी यहाँ पर पेस्ट, कॉपी ये सारी चीज़ें आपने एडजस्टमेंट करनी है, और सेम कीवर्ड्स यूज़ नहीं करना। अगर आपको 5 नहीं मिल रहे तो आप 3 लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपने साथ देखते जाना जी। इस तरह हमारे 7 कीवर्ड्स कंप्लीट हो गए। आप देख सकते हैं चूज़ आप द 7 कीवर्ड्स वगैरह, ये हमारे नीचे आ जाता है जी कैटेगरीज। कैटेगरीज के नीचे ये लिखा है लो एंड नो कंटेंट, जर्नल, नोटबुक्स, आप प्लानर, तो यहाँ पर हम टिक कर देंगे। और नीचे आपने क्या करना है कि चूज अ कैटेगरीज के अंदर जाना है, यहाँ पर फिक्शन है, नॉन फिक्शन, यहाँ पर आपने आ जाना है जी पॉइंट नंबर 4 के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आप नीचे जी क्लिक करेंगे तो नीचे आपके कैटेगरीज ओपन हो जाएंगी। यहाँ से आप अपनी जो है ना बुक के रिलेटेड किस काम के लिए अपनी बुक्स बनाई है, ये भी जो है ना मैटर करता है। बिजनेस, इकोनॉमिक्स, बॉय, मैंस वगैरह, कुकिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ रही हैं जी। हम यहाँ से कोई सिलेक्ट कर लेते हैं जी, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल्स एंड एजुकेशन के लिए हमने ये बुक्स बनाई है, ट्रेवलिंग के लिए भी ठीक है, लेकिन स्पोर्ट रीच इश्यूज, लेकिन इस तरह आप कोई भी जो है ना यहाँ से ये भी कर सकते हैं जी। जर्नल यहाँ पर लिख सकते हैं हम, शायरी वगैरह भी इस पर लिख सकते हैं, टाइप कर सकते हैं, लेकिन ये जो है ना अंग्रेजों ने यूज करनी है तो वो सारी चीजें जो है ना उस हिसाब से आप जो है ना यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो आपने अच्छे तरीके से यहाँ से जो है ना फाइंड कर लिया, हाउस एंड होम, आर्ट्स के लिए लैंग्वेज, तो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने ये सिलेक्ट कर ली है, अगर आप चाहें तो आप एक भी जो है ना कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये लाजमी नहीं है कि 2 ही इसके अंदर जो है ना आप सिलेक्ट करेंगे। तो नीचे आ जाता है ये अडल्ट, तो हम ये नो कर देंगे और आगे हम बुक को सेव करेंगे, डिटेल को सेव करेंगे। तो नेक्स्ट पेज हमारा जी पेपर कंटेंट का आ जाता है, यहाँ पर फ्री SBIN नंबर आ जाता है, तो यहाँ से हम ऊपर ही क्लिक करेंगे और यहाँ से जी इसको नीचे कर देते हैं, यूज ऑन ISBN। इसको अभी हम छोड़ते हैं। पब्लिशिंग डेट वगैरह आप यहाँ सेट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे आ जाते हैं ब्लैक एंड वाइट इंटीरियर, ठीक है जी। नीचे हमारा साइज है, साइज भी ठीक है। अगर आपकी 5x8 या कोई और आपका साइज है तो वो आप यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ से डिफरेंट साइज हैं सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे जी नो ब्लीड है, हमारी विदाउट ब्लीड थी तो हम नो ब्लीड ही रखेंगे जी। मैट है तो मैट ही रखेंगे। नीचे आ जाता है जी मेन्यू स्क्रिप्ट, यहाँ पर हम अपनी बुक्स जो है ना आप लोड कर देंगे, तो ये हमारी बुक है जी, हम इसको आप लोड कर देते हैं।
ये अभी जस्ट जो है ना अपलोड हो जाएगी, नीचे हम कवर अपलोड करेंगे। तो नीचे हम कर से लॉन्च कवर क्रिएट पर, या फिर हमारा पहले क्रिएट है तो हम यहाँ अपलोड करेंगे। जस्ट हम कौन सा कवर अपलोड करेंगे जी, ये वाला कवर हम अपलोड कर देंगे यहाँ पर। अपलोड होने के बाद हम इसको नेक्स्ट करेंगे। तो ये अभी अपलोड हो जाता है, उससे पहले हम यहाँ पर amazon.com को ओपन कर लेते हैं जी। यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको साथ साथ जो है ना गाइड करता चलता हूँ। तो यहाँ पर देखें, अगर आपको डिस्क्रिप्शन वगैरह फाइंड करना नहीं आ रही, तो मैं यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ नोटबुक फॉर किड्स, या लाइंड नोटबुक आप सर्च कर लेते हैं, तो आपके सामने डिफरेंट बुक्स आ जाती हैं। अब आपकी जर्नल नोटबुक्स हैं तो आपने जर्नल नोटबुक्स को ओपन कर लेना है। अगर आपकी कंपटीशन है, कलरिंग है, कोई भी है, तो आपने उसको, जैसे ये हमारे पास एक है जी प्राइमरी कंपटीशन नोटबुक, हम इसको ओपन कर लेंगे। अगर आपको जो है ना डिस्क्रिप्शन वगैरह फाइंड करना नहीं आता, तो आपने कैसे आइडियाज लेना है, अपनी बुक के रिलेटेड आपने बुक को ओपन करना है, यानी अपने कॉम्पिटिटर की जो आपकी बुक होगी ना उसको आपने ओपन कर लेना है। तो ये हमारा अपलोड हो गया, लॉन्च प्रीव्यू पर कर लेते हैं। पहले हम इसको जो है ना पब्लिश करते हैं, तो वो का हाईलाइट आ रहा है जी, क्या इश्यू आ गया है, प्लीज फिक्स हाईलाइट। हाईलाइट कहाँ पर आया है जी, लॉन्च प्रीव्यू पर आ गए। लॉन्च प्रीव्यू पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सेविंग हो जाएगी ऑटो। और यहाँ पर आपने जब बुक्स को अपलोड कर लेना है, तो सॉरी, आपने जब यहाँ पर आ जाना है जी, बुक्स को आपने अपनी बुक के रिलेटेड जो बुक आपने सर्च करनी है, इसके रिलेटेड हम बाद में डिस्कस करते हैं। पहले हम बुक का जो है ना काम कंप्लीट करें, ताकि आपको फिर डिस्कस जो है ना। तो ये देखिए हमारी जो जो बुक है ना, इसके अंदर जो हमारा स्पाइन आ रहा है, हमारा टेक्स्ट उससे बड़ा है, ठीक है। अब ये मसला बनेगा कि ये हमारी बुक्स जो है ना ड्राफ्ट के अंदर चली जाएगी, ठीक है। ये देख सकते हैं आप, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने नोटबुक लिखा हुआ है, ठीक है, इसके दरमियान में, लेकिन वो जो हमारा ये स्पाइन की है ना रेड सी लाइन, इसके साइड से टच हो रहा है, ठीक है। इसके साइड से टच नहीं होना चाहिए। यहाँ पर अगर टच इसके साथ होता है, तो फिर हमारी बुक्स ड्राफ्ट हो जाती है, ठीक है। अगर टच नहीं होता, तो फिर हमारा जो है ना स्पाइन जो है बिल्कुल छोटा होता। तो आप ये जो कवर है ना, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है नोटबुक, इसको साइज हमको बिल्कुल कम करना होगा, ठीक है। यानी इसके दरमियान के अंदर आए, और ये जो हमारा साथ ये वाला स्पाइन है ना, इसकी ये वाली रेड लाइन हमने नीचे बैकग्राउंड दिया हुआ है, इसको भी हमने काम करना है इसके बराबर, ठीक है। तो ये आई थिंक जो हमने कवर क्रिएट किया था ना, वो नहीं है, ये कोई और कवर है। तो ये भी है नोटबुक के, ठीक है। तो यहाँ से मैं कोई और देखता हूँ जी, हमारे पास जो हमने क्रिएट किया था वो कहाँ चला गया है, नोटबुक्स कवर। ये वाला स्पाइन होता है, ठीक है, ये काम करना है, ठीक है, उसके मतलब के दरमियान के अंदर आए। तो नीचे जी और कोई देख लेते हैं, हमारा जो हमने कैरिएट किया था आई थिंक वो किधर चला गया, वो दूसरे कलर के अंदर भी था। मैं पहले भी सोच रहा था कि वो कवर जो था ना वो नहीं है ये, लेकिन चलें, ये जो है ना आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है, ठीक है। क्योंकि अब मैं अगर कवर बनाने लगा, तो फिर काफ़ी टाइम जो है ना लगेगा। तो यहाँ पर ये जो स्पाइन आ रहा है ना, मैं जूम करके, ये वाला स्पाइन, ये जो नोटबुक इसके दरमियान के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो साइड का ये जो है ना एरिया, यहाँ पर स्पाइन का ये एरिया जो आ रहा है, ठीक है, वाइट वाइट, इसको भी आपने यहाँ से कैनवा पर चले जाना है और इसके बराबर कर देना है रेड लाइन के, और यहाँ से भी, ठीक है। इसका साइज मतलब कि इतना हो कि ये इस स्पाइन के दरमियान के अंदर आए, मतलब साइड से ना ये जो है ना ज्यादा ये ना हो, ठीक है। ये बराबर करके आप बुक्स को जो है ना लॉन्च कर देंगे, फिर आपकी बुक्स लाइव हो जाएगी। तो अभी हम इसको जो है ना, आप नेक्स्ट करना कि मैं इसको बाद में एडिट कर लूंगा।
तो आपने प्रीव्यू पर क्लिक कर देना है। जस्ट मैं चाहता हूँ कि आपको प्राइस का सारा सिस्टम जो है ना बता दिया जाए, फिर जो है ना आगे चलें। तो नीचे आ जाना है, जस्ट यहाँ पर जो है ना सिस्टम आ जाता है, ये सारी चीज़ें वही आ रही हैं जो हमने पहले एडजस्ट की हैं। और नीचे हमारे पास जो है ना सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, तो हम इसको सेव कर देंगे। बिल्कुल इजी है, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर, लेकिन वो स्पाइन का जो है ना वो आपने ख्याल रखना है कि वो मतलब कि उसके दरमियान में ही आना चाहिए। तो यहाँ पर प्राइस का जो है, यहाँ पर आप अगर टिक करना चाहें तो कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपने जो है ना नोटबुक की, आपको ये ऑटो बता रहा है नीचे, ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो है ना 5.99 जो है ना रख लेनी है, या इससे कम भी रख लेते हैं कि आपको यहाँ पर अगर ये बुक सेल हो ना तो $1 से $2 के दरमियान में मिल जाए, या $2 मिल जाए, इतनी आपने प्राइस रखनी है, ज़्यादा नहीं रखनी। ये नोटबुक है, ये जो है ना इसकी मार्केटिंग जो है वो बहुत ज़्यादा है। ये अगर आपकी प्राइस कम होती वो फिर वो ये जो बुक्स होती है ना ज़्यादा सेल होती हैं। तो आपने 5.99 कर देनी है, या फिर आप इससे ज़्यादा भी रख लेते हैं। देखें ये मुझे जो है ना जो रॉयल्टीज मिलेगी $1.30 मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह आपने जो है ना प्राइस सेट कर लेनी है। अगर आप यहाँ पर कर देंगे जी $10, तो यहाँ पर आपको मिल रहे होंगे $5, लेकिन क्या होगा कि हो सकता है फिर वो बुक आपकी सेल ही ना, कोई कस्टमर बाई ना करे। तो इससे बेहतर है कि आप कम प्राइस के अंदर, फिर अगर जब आपकी बुक सेल होना स्टार्ट हो जाती है, रैंक करते हैं, फिर आप इसकी प्राइस यहाँ पर आकर ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर पब्लिश योर पेपर बैक जो है ना, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारी बुक जो है ना पब्लिश हो जाएगी। तो ये बुक्स हमारी जो है ना, मेरी ये बुक्स ड्राफ्ट में जाएगी, ठीक है, लेकिन मैं उससे पहले जो है ना इसको एडिट करूँगा। तो यहाँ पर हम जो है ना स्टार्ट ई बुक हमारी नहीं है तो क्लोज करेंगे। इस तरह ये जो है ना आपकी बुक इन रिव्यू के अंदर चली जाएगी। आप ये अगर ड्राफ्ट होगी तो मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ये 100% ड्राफ्ट होगी, क्योंकि हमारा स्पाइन के अंदर जो है ना मिस्टेक है। तो ये जब आप ड्राफ्ट होगी ना, मैं फिर इसे दोबारा ठीक करूंगा, और मैं साथ वीडियो भी बनाऊंगा और अपलोड कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको समझ आ जाएगा कि ये ड्राफ्ट हो जाए तो क्या इशू इसके अंदर आता है। जो मैंने आपको इशू बताया यही इशू होता है, ठीक है, स्पाइन का ज्यादातर ये इशू होता है। तो यहाँ पर हमारा जी ये सारा सिस्टम कंप्लीट हुआ, उससे आगे चलते हैं जी। हम देख लेते हैं कि हमने जो है ना डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है, कैसे एडिटाज हम ले सकते हैं। तो जब आप अपनी बुक के रिलेटेड बुक को सर्च करेंगे ना, तो आपके सामने बुक्स आ जाएंगी, चाहे वो जर्नल है, नोटबुक है, या फिर कोई और बुक है, कंपटीशन बुक है, क्योंकि वो आपकी मतलब नीश पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी प्लानर बुक्स बना रहे हैं, कलरिंग बुक्स बना रहे हैं। ये सारी बुक्स हम कैसे बनाते हैं ये आगे चलकर हम सीखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जब आप सर्च कर लेंगे अपनी बुक के रिलेटेड, तो आपने 2 से 3 बुक्स जो है ना उनको इस तरीके से ओपन कर लेना। जैसे ये मैंने प्राइमरी कंपटीशन नोटबुक को जो है ना ओपन कर लिया है, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने इसका देखे टाइटल दिया हुआ है, प्राइमरी कंपटीशन नोटबुक टाइटल है, ड्रा एंड अ वाइट जर्नल फॉर, इस तरह से इन्होंने लिख कर ये सारी जो है ना इसका सब टाइटल भी लिखा हुआ है। ये पेपर बैक है, और नीचे ये प्राइस भी आप देख लेंगे, हमने जो है ना 5.99 लगाई है, लेकिन इन्होंने कितनी मतलब कि कम लगाई हुई है, 3.99। तो इस तरह इनकी बुक देख सेल भी हो रही है, रैंक भी कर रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो ये जो पब्लिश हुई है जून के अंदर पब्लिश हुई है 2022 को। तो इस तरह आपने इसके ऊपर आ जाना है, और इसको ओपन करने के बाद यहाँ से आप आइडियाज ले सकते हैं कि मेरी बुक्स जो है ना इसके रिलेटेड है, तो मैं ये कौन सा जो है ना टाइटल लिखना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए। इस तरह आप इस जैसी बुक्स जितनी भी होंगी ना आपके सामने आएंगी अपनी बुक के रिलेटेड, आप उनके ये टाइटल जो है ना रीड कर लेंगे। जब आप रीड करेंगे कॉम्पिटिटर की बुक्स के, राइटर जो मतलब कि उसने लिखा है, राइट किया है, उसको रीड करेंगे, तो आपको सारी समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरीके से अपनी बुक का टाइटल लिखना है। ये नहीं करना कि यहाँ से बुक का टाइटल इसका कॉपी किया और वहां पर अपनी बुक पर आपने जो है ना पेस्ट कर दिया, तो इस तरह क्या होगा कि आपकी बुक जो है ना ब्लॉक हो जाएगी। ये आपने ख्याल में रखना है, अपने आइडिया से डिफरेंट सा लिखना है। और इसके अलावा नीचे आप डिस्क्रिप्शन पर आ जाएंगे, इसके डिस्क्रिप्शन कहाँ पर लिखी हुई है जी, यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ पर देखें इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, इस तरीके से इसकी डिस्क्रिप्शन उसने लिखी है। ये सारी चीजें आपके सामने हैं,
तो इस तरह आप जो है ना डिस्क्रिप्शन का भी आइडियाज यहाँ से ले सकते हैं। कोई और बुक काम जी ओपन करके देखते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन सादा सी डिस्क्रिप्शन हो जाए। देखें ये सादा सी डिस्क्रिप्शन है, द प्राइमरी कंपटीशन नोटबुक फॉर अ किड विद द लवली कलरफुल कवर विद द रेमबो एंड कैट्स। उसने अपने जो है ना कवर पर क्या क्या चीज़ें मेंशन की है वो भी अभी वो बता रहा है इसके अंदर। नीचे वो जी सेलेक्ट कर रहा है जो डिस्क्रिप्शन लिख सकते परफेक्ट फॉर अ पर स्कूल स्टूडेंट एंड अ चिल्ड्रन इन अ, मतलब कि वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है ना बता रहा है कि आप किसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं बुक। ठीक है, आप अगर ये सारी रीड करें ना, एक से दो बुक्स की भी रीड कर लें, ज़्यादा नहीं तो दो बुक्स की आपने लाजमी रीड करनी है, फिर उसमें से जो है ना आप यहाँ से आइडियाज लेकर अपनी बुक के लिए जो है ना डिस्क्रिप्शन फाइंड कर, बिल्कुल ईजी वे है। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है यहाँ से, मतलब आप रीड करेंगे आपको समझ आ जाएगी कैसे उन्होंने लिखी है और मैं अपने आइडिया से कैसे लिख सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर आपने कोई अपनी तरफ से तो लिखना नहीं होता। जो बुक के अंदर चीज़ें हैं, सादा सी बुक है जी, नोटबुक है, उसके अंदर लाइंस हैं, उसके अंदर जो है ब्लैक लाइंस हैं, उसके अंदर ब्लैक इंटीरियर है, उसके अंदर 120 पेज हैं, ये सारी चीज़ें आप डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसका साइज 6x9 है, ये सारी चीज़ें भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। ये चीज़ें हैं जी, 5 लाइन है, 4 लाइन्स है, कितनी जो है ना आपकी बुक्स की लाइन्स हैं ये भी आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे ये जो है ना कॉन्टेंट्स 5 लाइन्स फॉर अवर राइट, इस तरह उसने मेंशन कर दिया है, तो आप भी कर सकते हैं। तो ये आइडियाज है, आप अपने कॉम्पिटिटर की बुक को यहाँ पर सर्च करेंगे और उसकी बुक के जितने भी रिलेटेड बुक्स आएंगी उनकी आप डिस्क्रिप्शन टाइटल वगैरह रीड करेंगे, फिर अपनी तरफ से एक आप बना लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया है इस तरीके से आपने भी बना लेना है, बिल्कुल इजी है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप करेंगे ना तो आपको समझ भी आएगी, स्टार्टिंग में आपको मुश्किल भी लगेगा, लेकिन जब आप एक दो बुक्स पब्लिश करेंगे तो आपको सारी समझ कंप्लीटली आ जाएगी, तो फिर आपके लिए सारा सिस्टम इजी हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है कि लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजमी करना है अगर आप न्यू हैं तो।